डियर स्टूडेंट, मैं शिव कुमार एक बार फिर से बीएसटीसी के नए और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि राजस्थान में कुल कॉलेज कितने हैं, जिसमें सरकारी कॉलेज कितने हैं और सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं। सरकारी यानी डाइट कॉलेज कितने नंबरों से हमें मिल सकता है, उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। चलो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल सीट कितनी है। तो टोटल सीटों की संख्या है जो पहले थी वो थी 24,420 थी, लेकिन अब इसमें से जुड़कर आपकी 25,000 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 25,000 कर दी गई है सीटों की संख्या। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि इनमें से जो टोटल सीट है, इनमें गवर्नमेंट कॉलेज की सीट कितनी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट की संख्या है 1550। कितनी है? 1550 है। और इसके बाद में जो बच जाती है प्राइवेट कॉलेज की सीट, तो प्राइवेट कॉलेजों की सीट है वो है 23,450। कितनी है? 23,450 है। और कॉलेज की संख्या की बात करें तो अभी तक इसकी निश्चित नहीं है कि कितनी संख्या, क्योंकि अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है कॉलेज की। तो जब जारी होगी आपको बता दिया जाएगा, और कॉलेज कितनी संख्या में है वो भी बता दी जाएगी। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में, ये तो निश्चित है कि प्रत्येक जिले में एक है, तो ये हो गई आपकी 33 कॉलेज है वो है गवर्नमेंट कॉलेज है। जो बाकी बच जाते हैं वो सभी क्या है? प्राइवेट कॉलेज है। कल ही एक बीएसटीसी के स्टूडेंट ने मेरे पास एक वीडियो शेयर किया था, उसमें बताया गया था कि अब की बार है जो बीएसटीसी कॉलेज की फीस है वो अलग अलग लगेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक बात मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर बहुत से वीडियो आपको फेक मिलेंगे और फेक डाले जा रहे हैं, उनके आप जितना बच सकते हो उनसे बचो। अब हम देख लेते हैं बीएसटीसी एग्जाम 2020 की कट ऑफ क्या रहने वाली है जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके लिए। और हमने प्राइवेट कॉलेज की जो कट ऑफ है पहले ही देख ली है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो देख लेते हैं जनरल मेल के लिए क्या रहने वाली कट ऑफ। उसकी रहेगी 425। जिसके अंक 425 प्लस आए हैं उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में श्योर हो जाएगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं जनरल फीमेल, जनरल फीमेल के जिसके 420 प्लस अंक आए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा मित्रों गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके बाद में देख लेते हैं 80 मेल, तो 80 मेल जिसके अंक 400 से अधिक है उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके बाद में देख लेते हैं 80 फीमेल, तो 80 फीमेल है उसकी रहेगी 390। जिसके अंक 390 से अधिक है उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, 100% हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके बाद में देख लेते हैं ओबीसी मेल, तो ओबीसी मेल की रहेगी 410 प्लस। जिसके 410 प्लस आए हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं ओबीसी फीमेल, तो ओबीसी फीमेल में रहेगी 400 प्लस रहेगी। उसके बाद में देख लेते हैं एसटी मेल, तो एसटी मेल में रहेगी आपकी 390 प्लस, उसकी क्या रहेगी? 390 प्लस रहेगी। उसके बाद में देख लेते हैं कि एसटी फीमेल, तो एसटी फीमेल की रहेगी 380 प्लस। देख लीजिए आगे आपको दिखाई दे रही होगी ईडब्ल्यूएस मेल, तो ईडब्ल्यूएस में प्लस रहने वाली है। उसके बाद में देख लेते हैं EWS फीमेल, तो EWS फीमेल की रहने वाली है 410। कितनी रहने वाली है? 410 रहने वाली है। उसके बाद में देख लीजिए आपको दिखाई दे रही होगी MBC मेल, तो MBC मेल की रहेगी 395 प्लस रहने वाली है। जिसके 395 प्लस है उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके बाद में दिखाई दे रहा होगा MBC फीमेल 385। जिसके MBC फीमेल में 385 आए हैं उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा मित्रों। आपको ही पता होगा कि विभाग कभी कट ऑफ जारी नहीं करता, तो विभाग के द्वारा ये जारी की हुई कट ऑफ नहीं है, ये अनुमानित कट ऑफ है। इसके आधार पर आप देख लीजिए इसके संबलम आपके नंबर आ रहे हैं 5 या 7 नंबर कम या ज़्यादा है, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा मित्रों। आप घबराएं नहीं, टेंशन ना लीजिए, चिल रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जाने से पूर्व एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए BST से संबंधित बहुत से वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जाने से पूर्व आप प्लेलिस्ट अवश्य देख लीजिए, देखना ना भूलिए। मैं शिव कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और फ्रेश वीडियो में। तब तक बने रहिए यूनिक स्मार्ट एजुकेशन के साथ।